अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आज अक्टूबर 5 है, यानी कि आज विंडोज 11 का अपडेट रोल आउट होना शुरू हो चुका है स्टेबल में। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा आप किस तरह से अपने लैपटॉप को, पीसी को विंडोज 11 पे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज 10 ऑलरेडी इंस्टॉल है तो बिल्कुल ही फ्री में हो जाएगा दोस्तों, एक टूल आती है उससे आप इजिली कर सकते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को दे दूं, जिनका वर्क फ्लो मेनली बेस्ड है लैपटॉप पे पीसी पे, वो लोग अचानक से विंडोज 11 पे शिफ्ट मत हो जाइए, क्योंकि ये जो अपडेट आई है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% स्टेबल है। ये लोग स्टेबल कह करके कुछ भी पुश कर देते हैं, यानी कि जो बीटा स्टेज में प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स मुझे स्टेबल स्टेज में भी दिख रही है। यहाँ पे मैं विंडोज 11 इंस्टॉल किया हुआ हूँ एंड यहाँ पे एक फाइल मैनेजर ओपन है। अगर मैं चाहूँ तो इस फाइल मैनेजर में कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेस्ट कर सकता था, लेकिन अब वो इनेबल ही नहीं होता क्योंकि टास्क बार के थ्रू आप कोई भी फाइल को जो है मूव नहीं कर सकते। तो जैसे वीडियो एडिटर्स वगैरह है ना, तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि ये फंक्शन आपको नहीं मिलता विंडोज 11 में। इसके बारे में शिकायत ना मैंने बहुत पहले भी किया था, जब मैं बीटा में था तभी मैंने उनको फीडबैक भी दे दिया था, फीडबैक हब के जरिए जो कि विंडोज 11 का ऑफिशियल है। उन्होंने कभी फिक्स नहीं किया, 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके, कभी भी उन्होंने फिक्स नहीं किया। तो इस वजह से जो बग्स आपको बीटा में मिलते थे वो सारे के सारे बग्स आपको विंडोज 11 में मिलना पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने बीटा को एज इट इज उठा करके स्टेबल बना के पोस्ट कर दिया ताकि उनको टाइमलाइन अचीव करना था। इस वजह से मेरी एडवाइस है मैं पहले टेस्टिंग कर लूंगा कि भाई कैसा है ये अपडेट, उसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको अपडेट करना चाहिए नहीं। लेकिन जिनका वर्क फ्लो मेनली बेस्ड है पीसी या लैपटॉप पे, प्लीज डू नॉट अपडेट राइट नाउ, विंडोज 10 पे रहो, बाकी आगे का ट्यूटोरियल देखो कि कैसे विंडोज 11 पे अपडेट करना है। यहाँ पे अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं मैं अभी रन कर रहा हूँ विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज वर्जन है 21H1, जो कि 16 सितंबर को मैंने इसमें इंस्टॉल किया था। चलो ठीक है, अब गाइज क्या करना है हमें सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम पे चले जाना है एंड ऊपर में आपको यहाँ पे टैप करना है, एक दे दूंगा दोस्तों यहाँ पे लिंक, ओके आप इसे पेस्ट करिएगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट की लिंक होगी। जी हाँ, ये लिंक को पेस्ट करने के बाद आपको इंटर दबा देना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दोस्तों हमेशा की तरह। एंड उसके बाद ये आपको 3 ऑप्शन देगा, आप विंडोज 11 डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है दोस्तों विंडोज 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट है, जो कि बहुत ही इजीली डाउनलोड कर देगा। दूसरा है विंडोज 11 इंस्टॉलेशन मीडिया से, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी मीडिया जिसे आप बर्न कर सकते हैं किसी यूएसबी में या फिर डीवीडी में, यानी कि आप बूटेबल डिस्क बना सकते हैं। तीसरा है दोस्तों आईएसओ इमेज, तो अगर आपको इसे रखना है कहीं और ले जाना है तो उसके लिए ये सही है। एंड यहां से आप चूज करके दोस्तों विंडोज 11 यहां पर डाउनलोड क्लिक करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आपको तीनों चीजें मिल जाती हैं। लेकिन हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे इजी तरीका विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। वैसे आप चाहे तो यहाँ पे बिफोर यू बिगिन में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि ये कंडीशन अप्लाई है, बट जैसे ही हमने क्लिक किया दोस्तों तो यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो गई जो कि है विंडोज 11 असिस्टेंट का। तो अब हमें इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे यस कर देना है, जो भी पूछेगा डिटेल्स परमिशंस दे देना है। एंड उसके बाद दोस्तों ये डायरेक्टली अब आपके लैपटॉप को या पीसी को विंडोज 11 में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है इनका जो भी सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस है एंड ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं। अब दोस्तों डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉलेशन होने लगा है, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और इंस्टॉलेशन बिल्कुल ही शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो इंस्टॉल होने के बाद मिलते हैं। तो जैसे ही दोस्तों इंस्टॉलेशन हो जाएगा उसके बाद ये कहेगा कि आप रीस्टार्ट करिए एंड रीस्टार्ट करने के बाद विंडोज 11 इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रीस्टार्ट नाउ पे टैप करना है। अगर आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं तो रीस्टार्ट लेटर करके वो काम फिनिश कर लीजिए एंड बाद में यहाँ से जाकर के मैनुअली आप रीस्टार्ट कर लीजिए। लेकिन अभी हम कोई जरूरी काम नहीं कर रहे, वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ये शायद वीडियो शूट भी जरूरी काम है बट लैपटॉप का जरूरत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग रीस्टार्ट नाउ पे टैप करते हैं एंड उसके बाद यू आर अबाउट टू साइन आउट, ओके भाई साहब क्लोज क्लोज कर देना है इसे एंड साइन आउट हो जा, रीस्टार्ट हो जा भाई। होने लगा, ऑटोमेटिक होने लगा, तो थोड़ा पेशेंस का जरूरत है, अगर सब्र है तो फल मीठा होगा। रीस्टार्ट होने के बाद मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैसेज आएगा वर्किंग ऑन अपडेट्स, और ये मैसेज हो सकता है कि आपको लगभग 10-15 मिनट तक ऐसे घूमता रहे, चलता रहे एंड ये अपडेट काम करता रहे। उसके बाद हो जाता है तो फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। और दोस्तों वो कंप्लीट होने के बाद अचानक से ये लॉक स्क्रीन पे आ गया एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये जो लॉक स्क्रीन है विंडोज 11 का है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ झमेला नहीं हुआ विंडोज 11 को अपडेट करने में, बहुत ही ईजिली हो गया। तो चलिए यहाँ पे साइन इन करते हैं, मैं अपना उंगली लगा देता हूँ यहाँ पे, या एंड ओके। तो अब जो है हमें सेटअप करना होगा विंडोज 11 को, गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू, ओके गेट रेडी फॉर मी, इतना स्पेशल हूँ ना मैं, तो हो जाओ रेडी। और दोस्तों वो पूरा होने के बाद ओपन हो गया विंडोज 11, अपडेट हो गया। यार थोड़ा बहुत कुछ सेटअप स्क्रीन भी तो देता, लेकिन ऑलरेडी हमारा विंडोज 10 सेटअप था तो विंडोज 11 ने सेटअप पूछा भी नहीं एंड
ये हमारा जो है सेटअप हो गया। अब जो सबसे पहली चीज़ मैं चेक करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मैं यहाँ से फाइल मैनेजर खोलता हूँ, ठीक है, तो क्या हम इस टास्क बार के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो हमारा ये अल्फा स्टेज में था, बीटा स्टेज में था, तो हम नहीं कर सकते थे। तो क्या ये स्टेबल स्टेज में फिक्स हुआ है या फिर वैसे ही इन्होंने पुश कर दिया है। यहाँ से मैं फाइल उठाता हूँ, यहाँ पर मैं टास्क बार पर ले आता हूँ एंड यू कैन सी स्टिल कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये कैसा है स्टेबल अपडेट भाई, जब हम टास्क बार के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप ही नहीं कर सकते। वीडियो एडिटर्स के लिए बहुत ही बुरा है ये विंडोज़ 11 अपडेट सच में गाइज। तो आई स्टिल प्रीफर कि जो लोग हैं ना विंडोज़ 10 पे, वो जानबूझ करके विंडोज़ 11 पे ना आए। ये बग आपके वर्क फ्लो को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। देख रहे हो, एक फाइल मैनेजर तक ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा टास्क बार के थ्रू। जी हाँ, बाकी सारी चीज़ें मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि विंडोज़ 11 में मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, ये पीसी कैसा चल रहा है। बिकॉज जो बीटा स्टेज में था ना विंडोज़ 11, तब परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बुरा मिल रहा था। मतलब जो वीडियो एडिटर है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था, अटक रहा था, स्पेशली डाविंसी रिजॉल्व, कभी ऑडियो नहीं आ रहा था, कभी बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें भी टेस्ट कर लूँगा, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्टेबल अपडेट है। मुझे ऐसा लगता है कि बस इन्होंने बीटा को ही पुश कर दिया यहाँ पे विंडोज़ 11 में एंड पुश करके आप लोगों को थमा दिया है। तो ये था मेरा ट्यूटोरियल कि आपको किस तरह से विंडोज़ 11 अपडेट पे जाना है। एंड लेट्स सी, सिस्टम में चलते हैं, अबाउट में चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या क्या लिख रहा है। तो ओके, विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज 21H2, ओके, बहुत सही। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, चलो कोई नहीं, बाकी की चीज़ें बाद में देख लेंगे। ये था दोस्तों मेरा पूरा का पूरा तरीका विंडोज 11 इंस्टॉल करने का। अगर वीडियो पसंद आई हुआ तो एप्पल खा लेना, बिकॉज एन एप्पल अ डे महंगा पड़ता है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।